नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सहित तमाम अधिकारियों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के किए जा रहे हैं हर संभव उपाय। राम की भक्ति करने पर बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान को परिवार सहित खत्म करने की मिली धमकी, पुलिस ने दो आरोपियों को लिया हिरासत में। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने आज गोड़धोई नाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। सीएम ने कहा कि जब नेतृत्व अच्छा होता है तो सबका सम्मान बढ़ता है। झांसी में गरोठा के बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत की गाड़ी और स्कॉर्पियो में हुई टक्कर, हादसे में विधायक बाल बाल बचे। लखनऊ में हजरतगंज के गोमती होटल में लगी आग, रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बांदा में एक पंचायत भवन में मनरेगा के पैसों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी और 2 मजदूरों के बीच विवाद, इस विवाद में नाराज मजदूर पति पत्नी ने अधिकारी को भरी पंचायत भवन में ही जमकर चप्पलों से पीटा। मेरठ में पार्षदों की मारपीट के मामले को लोकदल के नेताओं ने बताया मॉब लिंचिंग। नेताओं ने मंत्री और विधायक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। बस्ती जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की फॉल सीलिंग भरभराकर गिरी, वार्ड में 8 मरीज भर्ती, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हापुड़ की फैक्ट्री में रविवार को आग लग गई, इसमें एक मजदूर की जिंदा जलकर मौत हो गई। फतेहपुर में एक महिला ने सास से हुए विवाद के बाद अपने 3 बच्चों संग आत्महत्या कर ली, इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।